मेरा स्माइल होगा तो दिक्कत नहीं है, तकलीफ नहीं है। हो सकता मेरा बोलने का जो आदत है बोलने वक्त में इमोशनल नहीं होता हूँ, या हमारे साथ ऐसा कोई दिखते होता तो मैं सकल से सॉल्व नहीं करता, दिखता नहीं है, लेकिन अंदर में दर्द भरी कहानी है। समझ पाए कि नहीं? तो हो सकता आपको सकल से ना भी लगे, लेकिन रियल में क्या है, वास्तविक में क्या है कि अंदर से बहुत ही तकलीफ, बहुत ही स्ट्रगल रहा है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग 2015 से, ठीक है। एडमिशन करने में मुझे इतना दिक्कत नहीं हुआ था, जैसे हम कल भी आप लोग को बताए थे एडमिशन करने में हमें कोई स्ट्रगल नहीं हुआ था। बिजनेस को उठाने के लिए, बिजनेस को एक शेप देने के लिए, बिजनेस को एक जगह देने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। जैसे मैंने बिजनेस के अंदर आया था तो एक था माइंडसेट, जो होता है ना माइंडसेट समझते हो ना, माइंडसेट जो होता है कि भगवान पता नहीं कैसे हमें बहुत जल्दी, ये जो माइंडसेट था एडमिशन का, एक सप्ताह डेढ़ सप्ताह के अंदर ही मेरा माइंडसेट हो चुका कि बिजनेस हमें करना है, हमें जबरदस्त तरीके से करता है। हमेशा हमें यह लगता था कि हम शायद नेटवर्किंग के लिए जन्म लिए हैं, शायद हम स्मार्टफोन करने के लिए पैदा लिए, ऐसा लगता था हमें, हमेशा ऐसा लगता था। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले शुरुआत 2015 में ऐसा हुआ कि आप जैसे आप लोगों को मैंने बता दिया कि हम लोग जहाँ पे हमारा लोकल कोई घर नहीं है, यहाँ से 60 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर हमारा दूसरा डिस्ट्रिक्ट मधुबनी में घर पड़ता है। हमारा यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट था वो शुरू में ही निगेटिव हो चुका था, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था काम करने का, लेकिन दिमाग में घुसा था कि बिजनेस करना है। तो हमने क्या किया, रोड पे उतर करके स्ट्रेंजर किया, रोड पे उतर करके लोगों से कम्युनिकेशन किया, बात करके शुरू में नहीं आता था, कम्युनिकेशन सही नहीं था, ड्रेसिंग सेंस नहीं था, लोग मुंह पे जवाब दे देते थे। फीडबैक में शुरुआत में जब मैं फीडबैक में जाता था तो फीडबैक में ऐसा होता था बहुत सारे टाइम कि शक्ल नहीं है अच्छा, काला कुकुर हूँ, समझ पाए कि नहीं, ऊपर से क्या इतना पतले दुबले हैं, लोगों से सही से बात नहीं कर पा रहे हैं, जब लोग हमारा रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे क्योंकि इतने हाइट तो था लेकिन पतले उतले थे, काले उतले थे, तो लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, इतना बड़ा बड़ा बात। एक बार स्टेजर में ऐसा हुआ था नाग मंदिर से, मैं वो जो क्या बोलते उसको गरीब क्या कुंवर हम के तरफ जो रास्ता जाता है, हम एक स्टेजर करते करते एक बार जा रहे थे, लिस्ट बिल्डिंग करते करते लिस्ट बनाते बनाते, तो वो रास्ता में एक गली है कोई कोचिंग ऐसा है, वहां पे हम स्टेजर कर रहे थे, एक लड़का को बोले थे कि हम लोग करियर काउंसिलिंग प्रोजेक्ट को लेकर के सर्वे कर रहे हैं। क्या बोले थे, बोलते हैं ना कि करियर काउंसिलिंग प्रोजेक्ट को लेकर सर्वे कर रहे थे। आप सोचो मेरा हुलिया ऐसा था कि वो हमको मुंह पे बोल दिया कि पहले खुद का करियर बना ले फिर काउंसिलिंग के लिए सर्वे कर, सोचो कितना बुरा लगा है कि नहीं। तो ऐसा नहीं कि हम लोग को आसानी से मिल गया, ऐसा नहीं कि सिंपल तरीके से मिल गया, तो उस समय भी स्ट्रगल, उस समय भी दिक्कत आया था, उस समय भी दिक्कत क्या तकलीफें आया था, लेकिन उस समय में हमने अपने आप को बुरा नहीं माना, हमने ये बोला कि ये आपको एक जगह जो है हमें मिल चुका है, आपको भी मिल सकता है, इसी रात हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग दूसरों को मौका दे रहे हैं। समझ पा रहे नहीं पा रहे, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो हम लोगों ने हमेशा, क्योंकि शुरुआत में आप बात करोगे शुरुआती लेवल में इस लेवल का बिजनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, आज मजे से आप लोग एसी हॉल में बैठ कर ट्रेनिंग ले रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मजे से आप एसी हॉल के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं, मजे से बड़ा बड़ा बातें आपको सुनने को मिल रहा है, बड़ा बड़ा स्क्रिप्टिव फीडबैक फॉलो कर ट्रेनिंग मिल रहा है। मैं आपको बता दूं हम लोग का एक एक सेशन को अटेंड करने के लिए कोलकाता जैसा जगह और आसाम जैसा जगह जाना पड़ता था, और ये मैं अक्सर अपने टीम में बोलता ही रहता हूँ, सभी को लगभग पता ही है। शुरुआत में हम लोग क्योंकि 2-3 लोग का टीम है, 10 लोग का टीम है, 10 लोग के लिए सीनियर आएगा, पात्र भूमिका आएंगे, अमरनाथ बोस आएंगे, सुजीत अधिकारी आएंगे, सुशांत धर आएंगे, नहीं आएंगे, तो आप देखेंगे सबसे बड़ी बात बहुत ज्यादा स्ट्रगल था। तो वही चीज है कि उसके साथ साथ बिजनेस को समझ चुका था, एक बार रिकॉग्निशन अटेंड कर चुका था कोलकाता में, तो देख चुका था स्मार्टफोन का लाइफ कैसा होता है, रिकॉग्निशन क्या होता है, स्टेज क्या होता है, नेम क्या होता है, नेम क्या होता है, ये चीज दिमाग के अंदर बैठ गया था कि नहीं गुरु अब ऐसे चाहिए, जो हद तक गुजरना पड़ेगा मैं देखूंगा। तो ये चीज एक चीज और हमें ये भी समझ में आ रहा था कि बिहार के अंदर यदि बिजनेस को बड़ा जगह पे लेके जाना है, या हमें अपना पीक को बड़ा जगह पे लेके जाना है, या हमें एक बड़ा जगह पे लेके जाना है, तो हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे साथ उतना ज्यादा, क्योंकि उस समय में एक बार से मेरा एडमिशन का लगभग एक साल नहीं 6 महीना बाद एक बार से हमारा मुलाकात हुआ था, जब मैं एसटीपी फीडबैक लगभग समझो एक बार आए और हम मुजफ्फरपुर की तरफ चल रहे। तो आप देखोगे कि शुरुआत में उतना ज्यादा नहीं था, एसटीपी से लेकर के बोलने नहीं आता, फीडबैक करने नहीं आ रहा, एसटीपी करने के लिए हमारे पास अपना पर्सनल कोई सीनियर नहीं है, जो सीनियर एडमिशन कराए जैसे सतीश जी हमको बता के दिए थे फॉलो थ्रू वगैरह, वो फॉलो थ्रू वगैरह करते एक सप्ताह बाद वो चले गए राजस्थान के लिए अपना पेमेंट सेंड निकालने के लिए, कहा राजस्थान चले गए अपना पेमेंट सेंड निकालने के लिए। अब एक चीज हमें छोड़ दिया गया कि आपको बिजनेस करना है भाई तो अपना दम पे करना पड़ेगा, नहीं करना है तो नहीं करो, सिर्फ क्या था, या तो करना है तो आपको सब कुछ अपना ऊपर उठाना पड़ेगा, नहीं करना है तो आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई बोलने वाला नहीं था। अभी आप एक दिन क्लास कोचिंग में नहीं आते, सॉरी एक दिन आप सेंटर में नहीं आते, या एक दिन क्या बोलते उसको कोई ट्रेनिंग में नहीं आता तो आपको 10 सीनियर मिलता है बोलने के लिए, भाई क्या कर रहे हो, तुमको जाना पड़ेगा। आप एक दिन नहीं आते तो आपके घर पे सीनियर पहुंच जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं था हमारे पास सुविधा, नहीं आते तो कोई देखने वाला भी नहीं था, कहां मर रहे कहां कट रहे कोई देखने वाला भी था। हुलिया पहले ऐसा था कि सीनियर को देख के कभी भी हमको देख के नहीं लगा,
कि बिजनेस करेगा। कभी भी देख के नहीं लगा, हुलिया देख के कभी भी नहीं लगा कि ये बंदा बिजनेस भी करके देगा। नहीं तो इंग्लिश बोलने आता, नहीं तो लिखने आता, नहीं पढ़ने में अच्छा हूं, नहीं उतना कुछ भी है, समझ में आया कि नहीं है। तो आप देखोगे उसी समय में क्या हुआ कि अभी क्या है, आप हमारे पास तक एज नॉर्मल ग्रुप में, जैसे मान लो कि एक एसोसिएट है, एसोसिएट नहीं कोई ट्रेनिंग हुआ है, जैसे मान लो कि नॉर्मल है, जैसे रघुवीर रोशन ये सब जो है, ये सब तो अभी कोई दोनों क्या सीनियर जूनियर तो है नहीं, चलो चलने वाला है। तो सुबह पैसे हमारा एडमिशन हुआ था, हमारा एक महीना बाद गोविंदा का एडमिशन हुआ था, उसी बीच के अंदर लगभग आप देखेंगे कि हमारा एक सीनियर और था जो परसेंट जीत मैंने बताया था। तो मैंने क्या किया, अपना कॉमन सेंस से उस समय में काम कैसे करते, तो कोई सीनियर नहीं होता था एसटीपी करने के लिए, सिर्फ हॉल सेटअप पे करोड़ स्लैग का सपोर्ट मिलेगा, बोले तो राकेश सर का सपोर्ट मिलता था जब वो हॉल सेटअप करते थे, तो हम लोग हॉल सेटअप पे मतलब अपना माइटिंग को बिठा पाते थे। बट टेबल एसटीपी करने के लिए या तो खुद करना पड़ेगा या तो छोड़ना पड़ेगा, ऐसा ऑप्शन था, क्योंकि हम अदर टीम को या तो दूसरे आदमी को बोल नहीं सकते कि आके आप मेरा एसटीपी कर दीजिए, नहीं करेंगे। रिलेशन थोड़ा ठीक ठाक रहेगा तो चलो कि कर देता था। तो आप देखोगे उस समय वैसा था कि हम लोग क्या करते थे, तीन आदमी थे, तीनों आदमी आपस में बैठ के इतना सीरियस था कि अपना काम को डिवाइड कर लिया, क्या काम को डिवाइड कर, देखे कि तीनों में तीनों लड़का किस लेवल का है। तो एगो को देखे जो हमारा सीनियर था प्रसन्नजीत सर, वो बहुत ही अच्छा नॉलेजेबल था, जो मैं कभी आपको बता के दिए थे, बहुत ही अच्छा तरीके से कोई चीज को कैच कर पाता था, तो उनके पास मातृभूमि का बहुत अच्छा नॉलेज था, वो एसटीपी थोड़ा बहुत करता था, बोले आपको एसटीपी करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हमारा काम है पकड़ के लेके आना, हमारा काम है मार्केट से स्टूडेंट को लेकर के आना, इनवाइटी को आपको तक आपके तक बिठाना हमारा काम है, लेकिन आपको एसटीपी करना पड़ेगा। बट वो डरपोक ज्यादा था, फीडबैक वगैरह नहीं कर पाता था, या वो लिस्ट भी नहीं बनाता था। तो ऐसा हुआ कि हम अपने आपका काम है एसटीपी करना, माइंडसेट वगैरह सब करके देंगे, आपको सिर्फ समझा देना है, बाकी हम लोग देख लेंगे। फिर था क्या, हम गोविंदा मंदिर में क्या करते थे, पैदल पैदल, आपको बिलीव नहीं होगा, यहाँ से बीएमपी 13 कितना दूर है, अभी भी मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ, लड़का का भी नाम याद है हमें, सिवेश करके नाम था लड़का का, और क्या नाम है, हम और संजय उतना दूर पैदल चले गए थे फीडबैक करने के लिए, कितना, उस समय नहीं कोई गाड़ी था, नहीं कोई साइकिल भी नहीं था, क्योंकि मैं साइकिल यहाँ पर खरीदा भी नहीं था, तो पैदल जाना पड़ता था उतना उतना दूर फीडबैक करने के लिए, और हम लोग जाते भी थे मजबूरी में नहीं, मजा में, चलो फीडबैक करके आते हैं, जाते थे बातचीत करते करते गए, उतना दूर पैदल चल के गए, आप उतना दूर पैदल चल के गए तो गुस्सा तो आएगा ही, जाहिर सी बात है कि आप तुम यदि मना कर रहा है तो गुस्सा तो जरूर आएगा, तू मना कैसे कर सकता है, समझ पाए कि नहीं आए, हम इतना पैदल चल के आए, तेरा पैसा लेके ही जाएंगे, तो हम लोग फीडबैक मारते थे, तब हम लोग फीडबैक मारते थे कि नहीं तू पैसा लेके जाएगा, चाहे 200 दे, 400 दे, 1000 दे, 500 दे, पैसा चाहिए मेरे को, जो बोलना पड़ेगा मैं बोलूंगा, गारंटी चाहिए मिलेगा, क्या चाहिए तेरे को, पेन कार्ड आधार कार्ड दूंगा, लेकिन मेरे को पैसा से तुरा एडमिशन करना पड़ेगा। वो जिद होता था, 4 किलोमीटर पैदल जाना, अब 4-5 किलोमीटर पैदल जाके आना, ये जिद होता था, तो जाहिर सी बात है खुद में गुस्सा आता था, यदि पैसा लेके नहीं जाऊंगा ना तो मन 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 बोलेगा तू क्या करके आया, समझ में आई है, तो ऐसा होता था, हम लोग करते थे। उसके बाद जाकर के क्या है, बहुत ऐसा टाइम हुआ, जैसे नोटबंदी थी, हम लोगों ने देखा नोटबंदी के समय में नोट हर जगह हालत खराब था, लेकिन हम लोगों ने काम को रोका नहीं, क्योंकि जिस अंतर में लॉकडाउन का नोटबंदी के समय में जो 500 का नोट बंद हो गया था, वो भी 500 का डीडी हम लोगों ने उठाया, ये सोच के नहीं कि हम सब डीडी का तरसे हुए इंसान थे, डीडी चाहिए भूखा, कि हमें डीडी चाहिए, डीडी लेके आते तो वो 500 का हम लोग जाकर बैंक में एक्सचेंज करा लेते, लेकिन डीडी चाहिए, समझ में आई है। और अब उसके बाद बाढ़, बिहार का ये कहानी है, हर साल का ये बिहार का कहानी है, और दरभंगा तो हर साल थोड़ा भी बारिश में डूब जाता है, तो ये हर साल का कहानी रहा है। तो आप बात करोगे 2017 का, 2017 में ऐसा हुआ था कि इतना ज्यादा बाढ़ था, इतना ज्यादा पानी था कि आप फीडबैक हम लोग करना, हम लोग कभी घर नहीं भागा, हम लोगों ने क्या किया उस समय, फीडबैक था क्या करते थे, एसटीपी भी करते थे, फीडबैक भी करते थे, हवाई चप्पल पैंट को हाथ पे क्या है क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मल को मोड़ के यहाँ तक लेके आ गए, क्या मतलब चप्पल, अच्छा वाला चप्पल खरीद लेते थे, लेदर वाला भीगेगा टूटेगा तो दूसरा खरीदेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और जाते थे फीडबैक करते थे, फीडबैक करते थे। बहुत सारा ऐसा बाढ़ चल रहा है, बाढ़ के अंदर में भी, और मैं तो ये बोलता हूँ कि बाढ़ था, बाढ़ था उसी समय में हम सेंटर को ओपनिंग किए थे, बाढ़ पानी का इतना हर जगह, हर एक जगह पे दरभंगा में, उसी समय में रूम को ढूंढ करके हम लोगों ने सेंटर को ओपनिंग किया था। उससे पहले स्ट्रगल क्या आता था, इतना ज्यादा तकलीफें था, मैं खुद भी एडमिशन किया था तो सेंटर कभी देखे नहीं थे, सेंटर में जाकर पूछे मेरा सेंटर ओपनिंग होगा अगला सप्ताह, अगला एक महीना बाद जाकर ओपनिंग होगा तब जाके आपको क्लास मिलेगा, हम लोग बिलीव करते थे, क्योंकि हमारा ज्यादातर बिजनेस दिमाग के अंदर घुसा था, हमने ठीक है सेंटर शुरुआती लेवल का ओपनिंग हुआ, फिर जाकर के सेंटर कहाँ खुला पता है, सेंटर खुला शुरुआत में नीम चौक में, फिर वहां पे एफर्ट नहीं कर पाए, कि शुरुआत में विक्रम जी का उतना इनकम नहीं था, फैमिली बैकग्राउंड का जो उतना ठीक ठाक नहीं चल रहा था, लेकिन मजबूरी था सेंटर को खोलना, नहीं खोलेंगे निगेटिव चलना मार्केट से, डीडी नहीं उठा पाएंगे, तो 4 पीसी लगे, कितना पीसी लगे,
सिर्फ चार सिस्टम को खरीद करके कैसे कैसे करके 50,000-60,000 रुपए से विक्रम जी ने सेंटर डाला था निप चौक पे, फिर वहां पे रेंट नहीं दे पा रहा, ऐसा हालत है सेंटर का, तो रेंट है वो रेंट नहीं दे पा रहा, ऐसा हालत है, मजबूरी बस वहां पे रूम खाली करना पड़ा, सेंटर को शिफ्ट करना पड़ा ऑफिस के अंदर जेपी चौक। जेपी चौक पे क्या बोले तो खंडर, जिसमें हम लोग गाड़ी लगाते हैं, खंडर है। आप जाओगे देखोगे जो हॉल है ना जिसमें शीशा लगा हुआ प्रोडक्ट सब रखा है, वो बहुत सारे लोग देखा भी है, जाकर देखोगे खंडर है खंडर। ये दिन में आप भी जाए तो उसमें डर लगता है, रात का छोड़ दो पूरा मतलब भूत बंगला लगता है, जाने से लगता है वो डरावना सीन है, भूत बंगला वैसा देखो ना। चार सेंटर, आप देखो कॉमेडी का बात क्या था, उस समय में हम लोग एसटीपी करते तो उसी में एसटीपी कर, चार सिस्टम अगल बगल में लगा हुआ है, एसटीपी उसी में कर रहे, डोर टेबल लगा हुआ है, वही मरा हुआ बिल्डिंग है, एसटीपी कर रहे, फॉलोअप भी मार रहे हैं, और बोलता है कि भाई साहब बताइए कि सेंटर कहाँ पे दिखाइए, और फिर बोलता है कि सेंटर कहाँ पे दिखाइए, हम लोग मजबूर थे सेंटर नहीं दिखा सकते, क्यों बोलते यही सेंटर है तो देता भी नहीं। आप जहां पे बैठे हैं कल तो मैं आपसे डिस्कशन किया था, आज जो मैं डिस्कशन करूं सेंटर ही है कि जिंदगी को डील नहीं देता। तो क्या बोलते थे, आप यूनिवर्सिटी में कभी गए हैं, कॉलेज में कभी गए हैं, एडमिशन करने से पहले आप क्लास कर लेते हैं या क्लासरूम देखते हैं, तो बोला नहीं, ये भी एक यूनिवर्सिटी से कम पावर का नहीं है, एक कॉलेज से कम पावर का नहीं है, पूरा ऑल ओवर इंडिया में 1600 सेंटर चलता है इनका, पूरे ऑल ओवर इंडिया में क्या है 20 लाख एसोसिएट, पहले 20 लाख ही था, इतना सारा एसोसिएट है, आप ऐसे नहीं मिल सकते, ऐसे नहीं देख सकते सेंटर, विदाउट एडमिशन आपको सेंटर दिखाया नहीं जाएगा, ऐसे ऐसे हम लोग बोलते थे। और सेंटर को एडमिशन करने के बाद तो सेंटर में आता था भैया यहीं पे आपका क्लास होगा, समझ में आई क्लियर। तो उस समय हम लोग एसोसिएट के जिंदा रखते थे सिर्फ फॉलो थ्रू के दम पे, किसके दम पे, फीडबैक को डीडी उठाते थे सिर्फ फीडबैक के दम पे, सिर्फ बातों के दम पे, बात समझ में आ रही है। अभी तो आप लोगों के पास सेंटर दिखाने के लिए है, अभी तो आप लोगों के पास इतना अच्छा अच्छा हॉल, इतना अच्छा अच्छा न्यूज पेपर से लेकर के मीडिया से लेकर के हर एक चीज आपके पास है, इतना बेहतर जगह पे हम लोग रिकॉग्निशन आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, LNMU जो बिहार के लिए एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं लैंडमार्क है, सही बोल रहा हूँ। तो आप सोच के देखिए कि आप देखोगे कि पहले ऐसा कुछ भी नहीं था हम लोग के पास, हम लोग सिर्फ बातों के दम पे पैसा निकालते थे, सिर्फ बातों के दम पे फॉलो थ्रू करते थे, माइंडसेट करते थे सिर्फ बातों के दम पे, क्योंकि हम लोग उस समय एक बात बोला जाता था, सीनियर लोग हमको सिखाते थे ये बिजनेस है आपका, आप ये बिजनेस का आप MD हो, क्योंकि आपका ये बिजनेस कौन है, किसका है, खुद का है, MD बोलता आप खुद ये बिजनेस का ओनर हो, आपको बिजनेस को छोटा बना के बेचना है या बड़ा बना के बेचना है ये आपके हाथ में है, समझ में नहीं आया। हम लोगों ने बिजनेस को हल्के में कभी भी नहीं लिया, छोटे में कभी भी नहीं लिया, तो सोच रहे तो अभी आपके पास ऑप्शन है इतना सारा, फिर भी आप लोगों को लगता है तकलीफें है। उसके बाद सिर्फ यहीं पे कहानी खत्म नहीं है, कहानी यह है कि मेरे पास आज पहले क्वालिटी नहीं था, मैं अभी भी एसोसिएट को बात करता हूं उनको बोलता दो चीजें आपके लाइफ के अंदर, आपके पास जब क्वालिटी नहीं है तो काम के अंदर आप क्वांटिटी को बढ़ा दो, और यदि आपके अंदर क्वालिटी है तो क्वांटिटी कम भी होगा तो भी नहीं जल्दी देगा। तो हम लोग का हमारे पास में ऐसा बनता था जिनके अंदर क्या क्वालिटी बोलते कोई चीज नथिंग था जीरो, तो हमने अपना क्वांटिटी को हमेशा बढ़ाया, क्या किया, लोग करता था 10 लिस्ट तो हम करते थे 60 लिस्ट, कितना बिलीव नहीं करोगे, अभी भी हमारा फोटो है लिस्ट का, जब मैं लिस्ट करने के लिए जाता था मैं अक्सर सभी लोगों को मोबाइल पर फोटो दिखाता हूँ, वो सभी लिस्ट का फोटो है, मोबाइल एक्चुअल में स्मार्टफोन एडमिशन करने से पहले मेरे पास उसका फोटो है नहीं, तो मैं क्या दिखाऊंगा, समझ में आया लिस्ट मीटिंग, क्योंकि मैं स्मार्टफोन में आने के बाद फेसबुक पे आईडी बनाना सीखा था, फेसबुक आईडी बनाना सीखा था स्मार्टफोन आने के बाद, क्योंकि पहली दफा मैं बोला दरभंगा में आया था फेसबुक आईडी बनाना सीखा था, और इसके बाद स्मार्टफोन आ गया तो ड्रेस पहन के थोड़ा फोटो को अपलोड करना है, उससे पहले हमारे पास एक भी फोटो है ही नहीं। तो आप देखोगे कि लिस्ट प्रिंटिंग करने के लिए जा रहे हैं, एक बार ऐसा हुआ कि मतलब टारगेट दिया कि आपको तुमको रोशन आज तुमको 30 लिस्ट चाहिए, तुमको करना पड़ेगा, एक बात के साथ में रहते थे, पैसा का दिक्कत नहीं था, मैं हमेशा बोल रहा हूँ शुरू में पैसा का दिक्कत हमारे पास नहीं था, मैं ऐसा हुआ कि एक बात बोला कि तुमको आज 30 लिस्ट करना पड़ेगा, एक बात क्या बोला तुम अपना पहले वॉलेट दे दे पर्स दे दे, क्या किया पर्स दे दे पर्स में इतना पैसा ठीक है यहाँ पे रख, तुमको आज 30 लिस्ट करना है, 30 लिस्ट करेगा तो रूम में आएगा खाना मिलेगा नहीं तो आज नहीं मिलेगा। इसके दौरान अभी क्या सोसाइट को जाओगे तो निगेटिव होकर भाग जाएगा, रोने धोने लगे, बोलेगा तू मेरा बाप है, तेरा नमक खाया हूँ, शायद तू बोल सकता बहुत सारे सीनियर जूनियर सीनियर को बोल सकता। उस समय हमने कुछ नहीं बोला, एक पादा को दे दिया, बोला आज 30 लिस्ट तुमको करके आना पड़ेगा, हमारा पैसा था, एक पादा का नहीं था, हमारा पैसा था, फिर भी पर्स ले लिए, बोले करना पड़ेगा, क्यों टारगेट नहीं था टारगेट, बोला आप 30 लिस्ट आज चाहिए तो चाहिए, धूप है एकदम कड़क धूप है, एकदम कड़क धूप है, जो महीना होता है धूप वाला एकदम कड़क धूप है, अब हालत खराब है, मैंने क्या किया था 30 लिस्ट आज करके आना है,
रास्ता में देख रहा हूँ सब स्टूडेंट 12 बज रहा है, सब स्टूडेंट घर में बैठा हुआ, कोचिंग का टाइम 3 बजे बाद होगा, रूम से 11 बजे निकाल दिया गया, मैं क्या करूंगा बीच में? तो मैं धूप में पूरा दिन भर स्ट्रगल करके कहीं एक मिला कहीं दो मिला ऐसे करके 15 हो जाता था, 15 हुआ था मुझे याद है, 2 घंटा हम जाकर बैठे थे हरारी पुल के जो पुल पर, ये जो साइड में बैठा हुआ ये है क्या बोलते उसको बैठने वाला जो है वहां पे जाकर थक के बैठे हुए थे, गौरव जी को वहां से बोला गौरव जी 30 लिस्ट करना पड़ेगा आज, खाना नहीं मिलेगा, 30 लिस्ट करना पड़ेगा खाना नहीं मिलेगा, क्या करूं? बोला करो। तो उस समय में हमने जाके क्या किया, उस समय जाके दुराग जो मिल करके फिर से चले गए उधर उधर के तरफ जा जाके हम लोग लिस्ट करके आए थे, 30 लिस्ट करके आते थे, समझता ही नहीं है, सिर्फ वहीं पे खाली खत्म नहीं। मैं जब मुजफ्फरपुर बिजनेस करने के लिए दरभंगा खाली आया कि दरभंगा में जितना भी शुरुआती लोग हमने जो टीम बनाया वो टोटल टीम स्ट्रेंजर के बदौलत, यानी कि आप सिंपल तरीके से समझ सकते हो स्ट्रेंजर से डीडी उठाना कितना टफ होता है, कितना मुश्किल होता है, समझ में आई है? लेकिन एक चीज हमेशा था कि सीनियर के कनेक्ट में हम हमेशा रहते थे, हमेशा समझो स्मार्टफोन से प्यार हो गया था, ऐसा था कि मैं अभी हमेशा एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन मैं दरभंगा में रहता था और ऑफिस में नहीं विजिट करता था, ऑफिस में 1-2 घंटा नहीं बिताता जैसा कभी भी नहीं किया। उस तक मुजफ्फरपुर में गए बिजनेस करने के लिए, मुजफ्फरपुर में टोटल 6 मंथ में कितना महीना 6 महीना मैं और राकेश बिजनेस करने के लिए गया, राकेश का टीम निकल गया, मेरा टीम नहीं निकला 6 महीना कितना मंथ
कितना स्किप कराना पड़ेगा? 6 से 7। समझ में नहीं आया? उस समय ऐसा हालत था क्योंकि एक पाउंड पे 50 रुपया था, कितना रुपया मिलता था? 20 रुपया अपना, 30 रुपया फंड में जाएगा, रूम रेट में, ऑफिस मेंटर में। समझ में नहीं आया? तो ऐसा था, क्या किए तो कितना स्टिपिंग करना पड़ेगा, क्योंकि गैस भराना चाहिए 80 रुपया, कितना रुपया? तेल लाना है, चावल लाना है, टोटल कम से कम कितना रुपया चाहिए? 150 रुपया, कितना? तो 7 स्टिपिंग कराना पड़ेगा। 3 आपके रूम में थे, इसलिए डीडी उठाने के लिए उस दिन स्टिपिंग नहीं किए थे, पेट भरने के लिए 7 स्टिपिंग कराए थे। समझ में नहीं आया? तब जाके एसटीपी होता था, और एसटीपी होने का पेट भरते थे, अब डीडी को उठाना पड़ेगा, फीडबैक करते थे। तो शुरुआत तो मैंने देखा था कि सब कुछ सब पेपर आजमा के मैं थक गया, रिजल्ट आ क्यों नहीं रहा, तो मैंने अपने आप बैठा, बहुत टेंशन में था, क्या करूं मैं, बहुत टेंशन में था उस समय, बहुत टेंशन में था। एकपाल सर से भी बात करते थे, उधर सब लोग से बात कर रहे हैं, इधर थोड़ा बहुत अंदर से झुरझुर मिलना अच्छा लगता था, क्यों? क्योंकि दरभंगा से डीडी जाता था, एक साइड में गोविंदा भेजता था, हमको ऐसा लगता था कि दरभंगा में चलो मेहनत किए थे, उसका रिजल्ट अभी मिल रहा है। तो एक बात हमेशा हम लोग वहां सुनते थे, एफर्ट नेवर डाई, बिलीव इन गॉड, भगवान पे भरोसा करो, आज से तो कल आपको रिजल्ट मिलेगा, आज आप मेहनत करने से पीछे मत हटो। हमने एक समय दरभंगा मेहनत किया, आज हम नहीं तो रिजल्ट मिला है, शायद अभी हम मुजफ्फरपुर मेहनत करेंगे तो नहीं रहेंगे दूर, हमको रिजल्ट दिखेगा, ऐसा सोच करके हम लोग काम करते थे। हिम्मत मिलता था दरभंगा का रिजल्ट देख करके, हम वहां पे हिम्मत करके काम करते थे कि चलो आज में तो कल विदेश निकलेगा निकलेगा, लेकिन फिर भी अपने अंदर एक रियलाइजेशन हो जाता भाई कि 6 महीना में हमारे पास रिजल्ट नहीं है। समझ में, 6 महीना काम कर रहा हो, हर एक पेपर आज आके थक गया, रिजल्ट नहीं है, तो जाके मैंने बैठा और बैठने के बाद रियलाइज किया कि गलती कहां पे हो रहा है। तो मैंने देखा हम सिर्फ एसटीपी फीडबैक, सिर्फ हमें क्या है, इनवाइट करने के पीछे पागल है, एक्सटेंजर करने के पीछे पागल है, एसटीपी बिठाने तक हम जिम्मेदारी ले रहे, फीडबैक तो हमारा हो ही नहीं रहा। फिर जाके रियलाइज हुआ कि मेरे पास जितना फॉर्म है, इस सारा फॉर्म उल्टा के सब टोटल फॉर्म, अभी उस समय 6 महीने का पूरा फॉर्म हमारे पास था, कौन नहीं बता, पूरा फॉर्म उल्टा के हम देखा, एक दिमाग खराब हो गया था, रूम में बैठे पूरा फॉर्म उल्टा के देखा किसका किसका फीडबैक हुआ, तो 60 में से टोटल 60 से 70 एसटीपी हुआ था, उसमें से मैंने देखा कि सिर्फ 7 का फीडबैक कवर है, कितना लोग का, हमको समझ में आ गया कि हमारा रिजल्ट फीडबैक नहीं हो रहा, इस वजह से नहीं आ रहा। तो ये 7 फीडबैक ही क्यों हुआ था, तो मैं कहीं कहीं डिपेंड था कि चलो हमारा जो क्या है, हमारे साथ सीनियर होता था, चलो वो बोलेंगे तो हम फीडबैक पे जाके, नहीं बोलेंगे तो आ जाएगा रिजल्ट, शायद ऐसा ही होता, हमें ऐसा लगता था। फिर जाके हमने क्या किया, फिर बोले कि दरभंगा में कैसे हम करते थे, याद किया अपने आप को कैसे डीडी आता था, तो दरभंगा हम लोग खुद फीडबैक करते थे, खुद फीडबैक करते थे, डीडी आता था। हम क्या बोले, हम बोले कि आप तो सीनियर है तो है, हम क्या किए, क्रॉस लाइन यानी आकिब, आकिब को साथ में पकड़ कर, आकिब से तो बिजी थे, उनका टीम निकल चुका था, हम आकिब को पकड़ कर, भाई साथ देना पड़ेगा चल पूरा, उसके बाद हम लोगों ने फीडबैक करना स्टार्ट कर दिया, एक एक को फीडबैक करना, एसटीपी करके फीडबैक करना स्टार्ट कर दिया। 6 महीना बाद एक डीडी देखने को मिला कुणाल का, 6 मंथ बाद जो कुणाल आपके सामने दिखता है ना, कुणाल का डीडी नजर आया, बिलीव नहीं करोगे, उसी सप्ताह बाद इतना भरा था अपने अंदर पूरा, उसमें निकाल दिया फॉलो थ्रू में। अगला सप्ताह में उसके कॉन्टेक्ट से 3 डीडी आया, कितना ऐसे करते बिजनेस किया, वहां स्ट्रगल, फिर जाके तो वहीं पे खत्म नहीं है, फिर वहां पे फिर जाके कुछ दिन बिजनेस का, लगभग 5-6 महीना उसके कॉन्टेक्ट से। अब ऐसा है कि उसका कॉन्टेक्ट खत्म हो चुका, फिर वहां से टीम नहीं निकाल पा रहा हूं, टीम से टीम नहीं निकाल पा रहा हूं, ऐसा हो चुका है। 6 मंथ हो गया, 6 मंथ होने के बाद अभी एक दिन ट्रेनिंग हुआ था, इसे वर्कशॉप टाइप का हुआ था, सीनियर लीडर आए हुए थे, देखा कि हमसे पूछा कि रोशन तुम्हारा टीम कितना बैठा हुआ है हॉल के अंदर, कितना स्टिप हुआ, हम बोले कि 3 स्टिप हुआ, टीम सिर्फ 1 लड़का बैठा हुआ, तू आज तुम यहाँ पर नहीं रहेगा, सीधे क्या बोले, तुम मुजफ्फरपुर का लाइक नहीं, तुमको मुजफ्फरपुर में नहीं रहना है, तुमको जाना पड़ेगा दूसरे जगह बिजनेस, रमेश पिता साथ में, समझ में नहीं, रात तो रात हम लोग क्या बोला, बिस्तर बांधे थे पूरा रेडी किए, सुबह निकल के मधुबनी, कहाँ मधुबनी, सुबह निकल के मधुबनी, वहां पे जाकर रूम ढूंढते ढूंढते 2 दिन लगा, सिर्फ रोने में आके कॉलेज मधुबनी में रहे थे, लॉज में रहे थे, एक लड़का था रमेश का कोई कॉन्टेक्ट का रिलेशन में, तो वहीं पे रहे, तो वहां से 2 दिन पे रूम ढूंढते थे, एकदम गरीब वाला, क्योंकि पैसा नहीं था, जहां से कर्म का कॉन्टेक्ट मिला था। समझ में नहीं है, तो आप देखोगे कि हम लोगों ने ऐसा नहीं कि आसानी से यहाँ पे आ गए, स्ट्रगल बहुत ज्यादा था, और कहानी जितना सुना उतना कम है, अभी भी यदि बात करोगे तो बहुत ज्यादा सा कहानी जो बचा हुआ है, हाजीपुर का थोड़ा सा 1 मिनट में कहानी सुन लो। आप सभी लोगों को पता ना, हाजीपुर में बिजनेस करने के लिए गया था, हाजीपुर जब बिजनेस करने के लिए गया था, टीम पेमेंट चैट में दरभंगा मैंने बिजनेस कुछ ही दिन किया था, तो यहाँ पर पेमेंट चैट थोड़ा सा निकला था, करण को लेकर के 1-2 एपिसोड पड़ा था, उस समय में ऐसा हो गया कि थोड़ा सा चलो सिल्वर में बना था प्रोडक्ट उठा के, तो प्रोडक्ट भी बेचना, उसका भी प्रेशर था, सेंटर नया नया ओपनिंग किए थे, उसका भी प्रेशर था कि नहीं करना पड़ेगा बिजनेस, कोई भी हाथ में निकालना पड़ेगा, मैं चला गया हाजीपुर, एक बात से बातचीत, बोला नहीं तुम जाओ कोई दिक्कत नहीं है,
वहाँ एक लड़का था कुणाल का, उसको लेकर हम वहाँ पे चले गए काम करने के लिए हाजीपुर में काम करके। उसी समय हम एक और रिकॉर्ड भी बनाए थे, सबसे ज्यादा एक्वलाइजर सेल किए थे एक सिंगल डेज में, 80 पीस एक्वलाइजर बेचे थे सिंगल डेज में प्रोडक्ट रिटेलिंग से। तो उसी समय में किए थे, तो गाँव में रहते तो लड़का का मतलब सोचो एक एसोसिएट के घर में एक महीना रहा, कितना दिन, एक महीना। मेरे पास रूम रेंट का पैसा नहीं था, रूम रेंट कर सकते, एक एसोसिएट के घर में एक महीना रहते थे। उसके साथ एसटीपी कर रहे हैं, हेल्थ एसटीपी कर रहे हैं, कोई ऑफिस नहीं है, हेल्थ एसटीपी से थोड़ा बहुत रिजल्ट आया। सिर्फ एग्रीकल्चर पे ज्यादा से ज्यादा काम करना स्टार्ट किया था हमने, तो उधर से लगभग नहीं भी करते 500 मैल का रिटेल किया था एक महीना में एग्रोवाइजर का, टोटल 500 मैल का रिटेलिंग किए हुए थे। उसके बाद क्या हो गया कि हम बोले चलो बिजनेस करना पड़ेगा, हम ऑफिस लेने के लिए चले गए हाजीपुर, ऑफिस भी ले लिया, अच्छा खासा ऑफिस भी लिए थे। वहां पर दो चार लड़का था, सब मरा हुआ लड़का था, उसको लेकर हमने बोला बिजनेस स्टार्ट करूंगा, हो जाएगा कुछ दिन तो चलो। ऑफिस एक्साइटमेंट में लिया था, बड़ा जोश से लिया था, लगभग 10,000 रुपया रेंट था, कितना 10,000 रुपया रेंट था, बहुत लंबा चौड़ा ऑफिस था। हमने कि चलो कैसे भी करके चुपटा किया था, कैसे भी करके निकाल लूंगा, बिजनेस करना है, थोड़ा प्रेशर आएगा तो शायद निकाल पाऊंगा। उस समय ऐसा प्रेशर था, हम बोले कि चलो ठीक है, तो खूब धूमधाम कैंप करते थे, स्ट्रेंजर भी धूमधाम होता था, सब कुछ होता था, फिर भी थोड़ा बहुत जितना रिजल्ट आ सकता था उतना रिजल्ट नहीं मिला था। रेंट का 2-3 महीने तक तो ठीक ठाक चला, चौथा महीना रूम का ऐसा प्रॉब्लम हो गया था कि रेंट नहीं दे पा रहा, रेंट नहीं दे पा रहा, 2 महीने का ड्यूज हो गया रूम का रेंट। अब रूम ओनर बोला है कि पैसा देगा तो रूम से निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, क्योंकि हमको रूम के अंदर बंद कर दिया। बोला कुछ नहीं सुनेंगे, बहुत बहाना बना लिए थे कि आज दे अंदर कल दे देंगे परसों दे देंगे। बोला कुछ नहीं, बाहर से लॉक कर दिया, चाबी लेके चला गया उसका गार्ड, बोला कि आज आप पैसा दोगे तो ये ताला खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। ऐसा हुआ था उस समय, तो मैं क्या करूं, तो उस समय पैसा अरेंज करने का कोई सिचुएशन नहीं था, कोई समाधान नहीं था। तो गार्ड को बुला करके बिठा करके बात की, देखिए अगर आपके मेरे जैसे आपका बेटा भी होगा कहीं नहीं कहीं, कहीं आपका बेटा भी होगा, आप सोचिए आप कहीं के हमें शौक से आपको नहीं दे रहा, बहुत दिक्कत है, बहुत तकलीफ है, लेकिन आप 2-3 दिन का टाइम देंगे तो मैं आपको कहीं से भी हो अरेंज करके दे दूंगा। तो उसको फीडबैक मारा जबरदस्त, उसको बताया पूरा इमोशनल दिए। आपको फिर भी लगता है कि नहीं, थोड़ा भी आपको दया दरे नहीं, तो ठीक है बंद कर दीजिए, हम यहीं पर हैं। तो वो जाके कैसे कैसे करके इमोशन बहुत ज्यादा दिया, तो ताला खोला, जाके हमने 3 दिन 2 दिन 3 दिन करके रिटेलिंग करके उसको पैसा दिए थे, समझ में आए कि नहीं है। उसके साथ साथ क्या है, उसके बाद सिर्फ वहीं पे प्रॉब्लम नहीं था, दरभंगा सेंटर प्रॉब्लम आ गया, DT 0 दरभंगा में, TT 0 सेंटर का पेमेंट तो 0 नहीं होगा, महीना देना पड़ेगा, टीचर को पैसा देना पड़ेगा, बिजली बिल देना पड़ेगा, वहां प्रॉब्लम, वहां भी हैंडल करना है और टेंशन, समझ में आए कि नहीं। तो दरभंगा सेंटर में भी एक बार ताला लग गया था, बात को पता होगा, तो उस समय दिक्कत था, ऐसा नहीं कि हम लोग आसानी से हो गया था। हम लोगों ने कैसे कैसे करके वो सोल्यूशन किया था, उसको समाधान किया था, सिर्फ एक चीज को लेकर बिजनेस को करना है। एक दिन हाजीपुर में ऐसा हुआ कि चार दिन तक हम लोगों ने चावल और आटा बोलते रोटी नहीं खाया था, सिर्फ लिट्टी खाते रहना पड़ा था। क्यों, कितना रुपया था पता है, 60 रुपया था। और जहां पे फीडबैक करने के लिए जाते प्रोडक्ट, जहां हमारा कस्टमर जो था वहां जाने के लिए गाड़ी में तेल डालना पड़ता कम से कम 100 रुपया, क्योंकि 28 किलोमीटर दूर था, समझ में आए। तो हम लोग इंतजार करते थे धीरे धीरे करके, क्या है फिर क्या किए थे, फिर क्या एसटीपी वगैरह करके कैसे करके हम लोग रिजल्ट निकाल के फिर से हम लोग काम करना स्टार्ट किए थे धीरे धीरे। बहुत दिक्कत आया था, बहुत प्रॉब्लम आया था, ये कहानी बहुत नॉर्मल नहीं है, 6 साल तकलीफ में बिताया हूँ, 5 से 6 साल बिजनेस के अंदर है, एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जिस दिन तकलीफ हम लोग का नहीं आया। लेकिन कभी बहुत कभी भी हम अपना डाउनलाइन को या तो कभी किसी को ये दिखने नहीं दिया बिजनेस के अंदर, या उसको सामने वाला को फ्री नहीं होने दिया कि ये तकलीफ है, दिक्कत है, क्योंकि हमको पता है बिजनेस को करना है, क्या है बिजनेस एक बड़ा जगह लेके जाना है, बिहार में बिजनेस को बड़ा सेफ देना है, तो हम लोग ये सब जिम्मा उठाना पड़ेगा, और हम लोगों ने उठाया। इतना आसान नहीं था, कहानी बहुत लंबा है, मैं अभी बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि हमने आपको शुरू में बोला हमारे पास टाइम बहुत कम है, और ये सब बात अंदर का है। तो ऐसा नहीं सिंपल, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ऐसा नहीं कि सिंपल कहानी था, बहुत ही दर्दनाक कहानी हम लोग के बीच में रहा है, हम लोग के साथ बहुत ही स्ट्रगल रहा। ऐसा नहीं आप मुंह पे स्माइल देख लो तो आपको लगता है कि सर क्या बहुत खुश रहते होंगे पहले, ऐसा नहीं था, खुश रहना पड़ रहा, मजबूरी है, समझ में आई है, बिजनेस को दिखाना है, बिजनेस को करना है तो खुश रहना पड़ रहा है, मजबूरी है, ऐसा सिचुएशन था। टीम को नहीं दिखा सकता हूँ मेरे पॉकेट में पैसा नहीं है, टीम को नहीं दिखा सकता मैं भूखे हूँ, प्रोस्पेक्ट को नहीं दिखा सकता मैं भूखे हूँ, उसके सामने हंसना पड़ता है, समझ में आई है। तो क्या कर बिजनेस को, क्योंकि एक जिन ताकत के अपने मन के अंदर कुछ भी करो बिजनेस को निकालना पड़ेगा, कुछ भी करके बिजनेस को निकालना पड़ेगा,
जो करना पड़ेगा फिर करना पड़ेगा। एक बार तो ऐसा हो गया कि मॉर्निंग में ठंडा के समय में एकदम ठंडा था, मॉर्निंग के समय में मैंने हाजीपुर में एक एसटीपी करने के लिए गया था, यहाँ से स्कूटी लेकर के मदर पता है यहाँ से निकल के 9 बजे रात को 12 बजे में 12-1 बजे पहुंचे थे वहां पे, 9-10 बजे यहाँ से निकले थे मधुबनी से आकर के 10-11 बजे 11-12 बजे पहुंचे थे मुजफ्फरपुर, और 2 बजे रात में उठ करके चले गए प्रोस्पेक्ट के घर में। प्रोस्पेक्ट का डॉक्टर 4 बजे चला जाता था ड्यूटी पे, तो बोला कि 2 बजे तक मिलेगा, वो भी मतलब कॉन्टेक्ट से था लेकिन डायरेक्ट उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि वो एक दूसरे का झगड़ा हो गया था पड़ोसी में, तो डायरेक्ट हमें स्ट्रेंजर पर 2 बजे रात को दरवाजा खटखटा रहा है। सोचो डॉक्टर को पूछ रहा क्या है, उसको जाके बताया ऐसे से बात है आपके पास टाइम नहीं रहता इसलिए हम सवेरे आए तो आपसे बात करना हेल्थ को लेकर। उस समय जाके हम लोगों ने एसटीपी किया था, ठंडा का समय था, हालत खराब हो गया था हम लोग का, डर लगता था, ऐसा रास्ता में गया था जिंदगी में कभी वो रास्ता देखा ही नहीं था। मैं मधुबनी से सीधे फर्स्ट टाइम में हाजीपुर गया था स्कूटी लेकर के, सीधे चला गया रात को। सोचो तो अंदर में एक जिद था, कुछ भी नहीं, एक जिद था बिजनेस उठाना, एक जिद था टीम बनाना, एक जिद था बड़ा नाम चाहिए, समझ में आई है। तो हम लोगों ने 5 से 6 साल के अंदर में टीम बना नहीं हुआ है, लेकिन जो भी तकलीफें है, जो भी दिक्कतें है, जो भी मार्केट का जमीन का जो भी आपको प्रॉब्लम है, हर एक प्रॉब्लम से हम लोग गुजर चुके हैं। यानी कि अभी इसीलिए हम लोग पूरे मूड में है, इस साल कुछ भी नहीं, प्रॉब्लम जितना था देख लिए, तकलीफ जितना था देख लिए, जो भी दिक्कत था देख लिए, अब सिर्फ सिर्फ क्या देखना है अचीवमेंट, समझ में आई है। जय हो।